ये तो अपनी है ना, चल इसकी चुम्मी ले। प्राइवेट में तो लेता है चुम्मी, अब हमारे सामने लेके दिखा। नहीं लेगा, अगर तूने नहीं ली ना तो हम लोग लेंगे। कुछ पे हाथ उठाया तूने? से खोल दे, नहीं तो पहले दरवाजे को तोड़ेंगे फिर तेरे को। माँ बाप का नाम रोशन करेगा ना तू पढ़ाई करके? ये सब क्या हो रहा है? बताता हूँ ना मैं क्या हो रहा है, बता तो रहा हूँ। देख ये अपना पजामा उतार।
खोलना अपना पजामा। डरा है क्या बे? मच्छर, मच्छर, मुझे मुझे उंगली दिखाएगा आप? आज मैं खोलूंगा तेरा पजामा। वो चर्बी चढ़ी ना हराम खोर तेरे को। बोल सॉरी, सॉरी बोल। उतार, उतार पूरा। आज तेरी पल करता हूँ मैं। Warden of this hostel, but I also teach in the university. I guess I'll be teaching you for the next 4 years. Eh? It will be my pleasure, sir. Shantaram. Ji sahib. Inko apna kamra dikhao. Ho sahib. Ja. Thank you, sir. Thank you. काहीतरी पण पाहिजे असेल तर मला सांगा। हा से आया है? मुंबई। 2000 निकाल चल। किस बात के? Any problem, son? Hmm? No, sir. सर, रूम का भाड़ा देने से मना कर रहा है। देखो बेटा, यहां पर तुम्हें 4 साल रहना है। 4 years. हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। समझ गए? देखो सर, देखो देखो, आपको भी टसन दे रहा है। अभी नया है, समझना चाहिए तुमको। धीरे धीरे सब समझ जाएगा। गुड बॉय।
चलो अपना अपना काम करो, चलो इसका बैग वैग लो अंदर, चलो आउट आउट आउट, चलो गॉड, चले गए सारे कमीने लोग। बाय द वे, हम पांडे, विष्णु पांडे, तुम्हारा रूममेट, फिर भी करण, तू टेंशन मत ले, ये सब तो जहां चलते रहता है, 4 साल किसी तरह निकाल और फिर डिग्री लेकर निकल जाए। आजा चल, तुझे अपने ग्रुप से मिलाता हूँ, आजा आजा चल ना। ये है नीलेश, हाय हाय। ये बॉबी, हाय हाय। बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है ये बॉबी, जरा बच के रहना। और ये है करण। यहाँ मेस में खाना कितने बजे मिलता है? 9 बजे से पहले कहाँ मिलता है? क्यों, बहुत भूख लगी है क्या? नॉट टू वरी यार, चलना 3 घंटे ऐसे ही पास हो जाएंगे। चल 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 चल, जल्दी मोटे। यहाँ ना सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है, अच्छा बनाते हैं लेकिन ना ऑयल बहुत होता है, इट्स वेरी फैटनिंग। लेकिन वैसे भी आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ। भाड़ा देने से मना कर रहा है साला। शांताराम जी, आणखीन काय पाहिजे काय? शांताराम, जिस दिन इस लड़के ने मैस में खाना खाया उस दिन तू मैस में मार खाएगा। होई साहिब, भूख लगी है। रुक, पहले पानी पिलाता हूं।
जरा संभल के मार, हाथ पाव टूट गए तो पुलिस केस हो जाएगा, प्यार से मार। नहीं नहीं आपको नहीं, अपने बच्चे लोग है ना, देखते क्या हो, मारो ना। तू वहां ठीक ठाक पहुंच गया ना बेटा? जी। ये तेरी आवाज को क्या हो गया है? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। करण तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सा कमरा तो अलॉट हो गया ना तुझे? जी। अच्छा वहां खाने पीने को तो सब ठीक मिल रहा है ना? हाँ अंकल यह मेस का खाना काफी अच्छा है। ठीक है बेटा, देखो अपना ख्याल रखना। हाँ अंकल। मैं रखता हूँ बेटे, आप फोन करना मत भूलना। जी। लेकिन इस फिरोज के खिलाफ कोई कुछ एक्शन क्यों नहीं लेता? कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी है वो जनरल सेक्रेटरी है। हाँ यार सब डरते हैं उससे, कम से कम 28 या 30 इयर्स ओल्ड हैं सबके सब। 30 साल का है फिरोज और अभी भी कॉलेज में है। देख करण, उन लोगों में और हमें बहुत फर्क है। हम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं लेकिन उनका मकसद कुछ और ही है। और तुझे मालूम है, अरे जानबूझ के हर साल फेल होता है ये फिरोज, इतने सालों से यूनिवर्सिटी में है ना इसलिए सबके साथ उसकी पहचान है। बहुत वट है ना उसका यहाँ, इसलिए तो जनरल सेक्रेटरी बन गया। वैसे ही उसको स्टेट की रूलिंग पार्टी की बैकिंग है, अब अगले एक दो साल भी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर टिका रहा तो पार्टी सीधा अब्जॉर्ब कर लेगी उसको, डायरेक्टली स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री मिल जाएगी उसको। अरे वही तो उसका मकसद है, यूनिवर्सिटी को सिटी की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है वो पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। और यहाँ तो उसे हर तरह का ऐशो आराम है, उसका रूम साफ करना, उसके कपड़े धोना, सब काम तो जूनियर से करवाता है और उनसे पैसे भी ऐंठता है। ऐसी लग्जरी उसे बाहर थोड़ी ना मिलेगी, इसीलिए तो हॉस्टल छोड़ के जाना नहीं चाहता वो, जब तक हो सकेगा हॉस्टल में ही रहेगा वो। लेकिन ही छोड़ना यार, चल लेक्चर का टाइम हो गया है। हाँ चलो आ जा करण, चल क्लास में चलते हैं। चल चल आ जा। अरे यार टर्म शुरू हुआ नहीं कि टेस्ट पहले आ गया सर पे। डिबेट है तू? नहीं। तू? नहीं। तू करण? नहीं। तू आया भी तो डेढ़ महीने लेट है। ठीक है ना, यू एंड करण कैरी ऑन, मैं और नीलेश लाइब्रेरी जा रहे हैं। चल ओके सी यू देन, बाय। विष्णु टाइम टेबल मिला? चल ना नोटिस बोर्ड पर चेक करते हैं। हाउ आर यू बॉयज? गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो सर? सब ठीक है ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तुम लोगों को? नो सर। वेरी गुड वेरी गुड। परसों टेस्ट है ना तुम्हारी? यस सर। तैयारियां हो गई क्या? कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। कम विद मी, कम कम विद योर बुक्स। आ जा चल ना। आओ। देखो सर मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कम आओ।
जब तक मैं हूँ यहाँ पर तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, सीधे वार्डन के ऑफिस में चले आओ। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला है। कम कम आओ, प्लीज सिट डाउन, आ जाओ जाओ, हैव अ सीट, आ बैठो। So you're confident that you'll pass? No, sir. Okay. And you? देखो मैं तुम्हें पेपर दिलवा सकता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 है। सर इतने पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है? गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप एंड गेट आउट, आउट, आउट। क्या होगा यार, कुछ भी प्रिपेयर नहीं है। तो फिकर मत कर, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, वी विल मेक इट। यहाँ से? हाँ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले। 45 × 60 ए खोल ना रे साला, खोलेगा नहीं, खोल। बैटरी। तू क्यों डर रहा है बे? अरे तेरी चड्डी तो हम कितनी बार उतार चुके हैं, आज इसके उतारने आए। चलो उठ, उठ। अरे ओफो, चल कपड़े उतार। पैंट उतार अपनी, उतार ना। एकदम चिकना है रे। देख बच्चों, अगर सीधी तरह से मान लेगा तो छोड़ देंगे, और नहीं माना ना तो छोड़ देंगे। फिरोज सर प्लीज आज जाने दीजिए ना, परसों एग्जाम है। अरे सिर्फ एक कैबरे ही तो कराना है इससे। ये ले टेप ऑन कर, टेप ऑन कर बैटरी, ये ले टेप ऑन कर, चल। हाय हाय, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के पीछे क्या है। गाने की ताल के साथ ताल मिला के लड़की की तरह नाच नाच के कपड़े उतार, उतारना। है चिकने आया, उतारना। उतार। देख बच्चू, जितनी अकड़ दिखाएगा ना उतना सताएंगे तुझे, उतना तू चुपचाप हमारा टाइम पास करवा दे, फिर तुझे छोड़ देंगे। अरे इस बैटरी को पूछ कितनी बार टाइम पास किया इसने हमारा। कुछ नहीं है करण, हम सभी ने किया है, बस टाइम पास है यार, कर देना यार। ये अच्छा बच्चा है हमारा। शर्म आ रही है तुझे? है?
अभी निकालता हूँ तेरी शर्म। बेशरम बना के छोड़ेंगे, बेशरम। करके विश भविष्य की फिर चिता जली, मार कर जमीर को, जमीन में धस गया है जो शरीर उसका, जल गया कंकाल जैसा हो गया है वो। देख इसको, समझ के साफ कर कर, एकदम चिकना साला। देखो इसको, देखो, ये है हमारे कॉलेज का नया फ्रेशर। हम इसको कॉलेज के नियम समझा रहे थे, लेकिन ये बदतमीज जफर इतना ढीठ है कि समझता ही नहीं। अपने कॉलेज के सीनियर्स की इज्जत करना नहीं आता इसको। हमने इसको समझाया, प्यार से समझाया, पर ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय, लेकिन ये भाई साहब हैं कि समझते ही नहीं। हमने इनको ये भी समझाया कि अब इस कॉलेज के सीनियर्स ही तुम्हारे माँ बाप है, और माँ बाप से भला क्या शर्माना है? लेकिन अब ये नहीं शर्माएगा, आहिस्ता आहिस्ता शेर बन जाएगा और बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। अबे एहसान कर रहे हैं तेरे ऊपर, आज नहीं समझेगा ये तू, बाद में हम सबको दुआएं देगा कि हमने तेरे को मर्द बना दिया। अरे घूर क्यों रहा है ये मुझे? हाँ? अबे घूर क्यों रहा है बे? हाँ? तमाशा खत्म, सर्कस खत्म, हॉस्टल में जाके सोने का, चल कल्टे कल्टे निकलने का। ए चलो तरे, चल चलो रे, चलो 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 चलो। क्या हाल बना दिया है इसका, चल चल इसको लेके चल। लेकिन करण तो फेल कैसे हो गया? अरे स्कूल और जूनियर कॉलेज में तो तू इतना लायक था। करण बात क्या है आखिर? कुछ बात नहीं अंकल। करण तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? अंकल आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। देखो करण, ये स्टूडेंट्स के आपस के मामला है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ सकते। सर मैं पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रहा हूँ, मैं एक मेरिट लिस्ट स्टूडेंट हूँ सर, मैं इससे पहले कभी फेल नहीं हुआ हूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम अकोमोडेशन कहीं और भी तो ले सकते हो। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं भाड़े का अकोमोडेशन ले सकूं। देखो बेटे, ये लोग हैं छठे हुए गुंडे और मुझसे पहले से यहाँ हैं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी करण। थैंक यू सर। तू क्या कर लेगा इनके खिलाफ? उन्हें मजा आता है सब करने में। दे आर ब्लडी सेडिस्ट। 15-20 मुस्टंडों की गैंग है उनकी। कितनों को मार लेगा तू अकेला? देख करण, तू आज उनमें से किसी एक को पीट भी देगा तो फिर वो कल तेरे से बदला लेंगे, परसों तू उनसे बदला लेगा,
फिर अगले दिन वो तेरे समझ ला लेंगे। दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी करण। बेहतर यही होगा कि जो कुछ भी हुआ तो सब भूल जा। आसान नहीं है करण। देख यूनिट टेस्ट में तो तू फेल हो गया, चाहे जो भी वजह हो। अब सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं करण, ऐसे समय पर तू इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ सकता यार। हाँ। तू फेल हो जाएगा, तेरा साल वेस्ट हो जाएगा यार। एग्जाम के बाद तुझे जिससे बदला लेना है ले लेना तू। नो नो करण, अच्छा है कि तू ये सब भूल जा, एटलीस्ट जब तक एग्जाम्स पूरे नहीं होते। हाँ आइडिया, एक काम कर, तू ना रात को चुपचाप लाइब्रेरी के लिए निकल जाया कर, रात भर खुली रहती है, क्या बोलता है? गुड आइडिया। हाँ। है ना, इन अंगूठा छापलों को तो पता भी नहीं होगा कि लाइब्रेरी है कहाँ। हाँ। हाँ। I'm perfectly all right. I thought you were crying. Of course not. I was just... Are you in engineering? Ah, no wonder. It shows on your face. Engineering. Not my cup of tea. I've taken science. Wo bhi itna mushkil lag raha hai mujhe. Hey, how do you guys manage, yeah? The difficult part is not the studies. Why? Do you live in the boys' hostel? Yeah. I've heard a lot of stories about your boys' hostel. Are they true? No, not really. Are you sure? Yeah. Is it that tumhare seniors tumhe bahut pareshan kar rahe hain? Nahin, aisi koi baat nahi hai. By the way, tum library mein itni late? Oh, aise hi. I was just collecting some notes. 2 ghante lag gaye. What about you? Are you studying right now? That was the intention before you just told me. Hey! Just joking. By the way, I'm Payal. Karan. Enough of bitching about professors. I better get going, it's really late. Okay? Okay. Payal, It was really nice talking to you. Same here. What are you doing tomorrow? I have classes and then tuitions. And day after? Nothing really. You want to meet up then? Okay, see you then. See you. Bye. Hey, by the way, you've got really nice eyes. Thanks. Barish bano, mausam bano, khwahish bano, saazish bano. Aur tumhare ghar mein kaun kaun hai? कोई नहीं, मेरे मम्मी पापा दोनों कई साल पहले। I'm so sorry.
मुझे मेरे अंकल के यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेचारे अच्छे आदमी है वो, आंटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके अपने बच्चे हैं, मेरे दो छोटे छोटे कजन्स, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, इसलिए मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। आई फेल्ट गिल्टी एंड दैट्स द रीजन कि मैं चाहकर भी ये हॉस्टल छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हारे कोई भाई या बहन नहीं है? नहीं। ओह। और तुम्हारे? नहीं, आई एम द ओनली चाइल्ड। कितनी बार मैं अपने पेरेंट्स को कह चुकी हूँ कि काश मेरा कोई भाई होता, यू नो, समवन हु कुड प्रोटेक्ट मी, बट नाउ दैट्स ओके। तुम हो? नो वे। पंख दो तो जरा, खिलने दो मुझे, रंग दो तो जरा, मेरी सुबह और फिर रातें मनो। ए करण, वेयर यू बीन मैन? आई बीन अराउंड। ए, तू आज इतना खुश क्यों लग रहा है? अबे तो क्या दुखी लगना चाहिए? कुछ भी यार। नहीं, कुछ तो है, फॉर श्योर। बता ना करण, क्या बात? कुछ नहीं है। जब से हॉस्टल में आया ना, पहली बार इसके चेहरे पे स्माइल देखी है। लगता है कोई मिल गया। नहीं नहीं, मिल गया नहीं, मिल गई है। ऐसा बोल। ऐसा कुछ नहीं है यार, सिर्फ फ्रेंडशिप हुई है। तो मतलब कोई लड़की है। नाम क्या है, नाम क्या उसका? पायल। तो फिर अब तक कुछ किया कि नहीं? और गाइस, अरे शर्मा मत करन यार, इट्स ओनली अस यार। हाँ, बता ना, बता ना, बता ना, बता ना, लेकिन अभी तेरे को ट्रीट देनी पड़ेगी। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, सिर्फ फ्रेंडशिप हुई है। अरे कुछ भी हो, लेकिन ट्रीट तो देनी पड़ेगा। करण, लेट्स गो टू द कैंटीन फॉर अ कॉफी। ओके, कूल। But this time I'm paying, okay? No way. Karan, even last time you paid. Please let me pay this time. But at least I can do that much for you. Come on. Hey. सब जूनियर्स लोगों को ऑडिटोरियम में बुलाया है। चल। चल। Let's go. लेकिन करण, अगर तुम अपना बचाव भी नहीं कर सकते then how can I feel safe with you? पायल, मैंने अभी अभी तो तुम्हारे सामने उन क्यों गई रो? ऑडिटोरियम में क्यों नहीं आया? सारे जूनियर्स आए थे, सबकी चड्डी उतारी, चड्डी नंगा करके परेड करवाया सबको। तू स्पेशल है, तेरी इधर ही उतारे क्या? उस दिन की तरह याद है? चल ठीक है, तेरे लिए एक नया रूटीन बनाते हैं। वो लड़की दिख रही है, जा उसकी चुम्मी लेके आ। जा। अरे जा ना, नहीं तो याद है ना, उस दिन की तरह। चल चल जा, जा जा जा। अरे डर मत, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तेरा। लुखे घर की लड़की है, लुखे, लुखा समझता, चिंदी घर की लड़की। और अगर कुछ किया भी ना तो हम है ना सब संभाल लेंगे। चल जा, जाना चुम्मी लेके आ जा। और फसाने वाला यार। क्यों क्यों नहीं जा रहा? पढ़ाई है इसलिए। काम डाउन। ये तो रमी मेरी है ये। फिरोज भाई, फिरोज भाई, तेरा ये बलात्कार किसने किया है? हंस रहा है फिरोज भाई। नहीं, दरअसल मुझे रोना चाहिए कि तेरे जैसे को मैंने अपनी गैंग में भर्ती किया। किससे पिट के आया वो करण? अरे क्या अक्षय,
जूनियर से पिट के आया। तू बताए क्या है? हाँ? वो अब वो सर वो क्या कहते हैं सर वो लाइबिलिटी। हाँ करेक्ट। फिरोज भाई आपको मजाक सोच रहा है, कुछ कीजिए ना। कैंटीन में सबके सामने होता मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, रोना बंद कर अभी। हाँ आयु भाई। वैसे वो लोग भी डरते हैं और हम लोग उससे संख्या में कहीं ज्यादा है। हमको उनसे नहीं बल्कि उनको हमसे डरना चाहिए। लेकिन करण तू समझ नहीं रहा यार, उनके कैसे कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं। अय्यूब कौन है? मैं जानता हूं आप मुझे मारने आए, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपने मुझे पीट भी दिया तो उसे बेइज्जती मेरी नहीं बल्कि आपकी होगी। पूरा शहर यही कहेगा कि अब अय्यूब भाई फिरोज के लिए काम करते हैं। क्या बोल रहा था? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, क्या दुश्मनी मेरी और आपकी? फिरोज आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है आपको, खुद पीछे छुपकर आपको सामने खड़ा कर रहा है। लेकिन फिर भी सिर्फ फिरोज की खातिर अगर आप मुझे मारना चाहते तो शौक से मारिए, बस एक चीज याद रखिएगा, उस वक्त भी वो लोग छे थे और मैं अकेला। ठीक बोल रहा है। लेकिन भाई ये फिरोज तो कह रहा था कोई टपोरी है जिसने उसके लड़कों को मारा है, लेकिन ये बेचारा तो सीधा साधा लड़का है। लेकिन भाई फिरोज हमारा फायदा उठा रहा है। ठीक है हमारे उससे रिलेशन है, लेकिन हम उसके नौकर थोड़ी है। लेकिन भाई मत समझना कि हम तुझसे डर गए, लेकिन तेरी बात हमें अच्छी लगी। तुझे कभी भी कोई भी काम हो हमको याद करना। फिरोज को भी आपने यही कहा होगा।
आपकी ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। सुधरेगा नहीं। जानता हूँ। रोज़ भाई साले को कुत्ते की तरह काट काट के मारना भाई। क्यों? भाई हमारी गैंग की प्रेस्टीज का सवाल है। तेरे को कौन बोला कि तू हमारी गैंग में है? रोज़ भाई लेकिन क्यों? हमारी गैंग की प्रेस्टीज का सवाल है। पहले तो कुत्ते की तरह तूने मार खाई, वो भी सबके सामने। उसके बाद बैकअप देने के बाद भी उस बच्चे को तोड़ नहीं सका तू। हमारे साथ खड़ा होगा तो हमारी भी वैल्यू गिर जाएगी। रोज़ भाई 24 घंटे का समय देता हूं, सामान बांध ले। लेकिन फिरोज़ भाई उसके बाद इस कैंपस के आसपास भी दिख गया तो बची खुची कसर मैं निकाल दूंगा। फिरोज भाई, फिरोज भाई, फिरोज भाई, फिरोज भाई। वो नाम क्या है उस लड़के का? करण। अरे जो भी हो, कमरा कौन सा है उसका? लास्ट वाला। क्या डायलॉग मारता है तू? अरे तेरे को तो फिल्म में काम करना चाहिए। ये इंजीनियरिंग पढ़ के तेरे को क्या मिलेगा? आराम से काम मिल जाएगा इसको। चिकना है ना? भाई। देख भाई, अक्षय को मैंने इसलिए पाल के रखा था कि वो मेरे काफी काम आता था, लेकिन तूने उसे कुत्ते की तरह पीट डाला। इसका मतलब ये हुआ कि तू अक्षय से भी ज्यादा मेरे काम आ सकता है। 3,000 दूंगा एक महीने का। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गुंडागर्दी करने नहीं। तेरे में दम है, लेकिन फिर भी मेरे से थोड़ा कम है। सॉरी, इस बार वो चाकू नहीं है। एक बात मैं मानता हूं कि तू मर्द है, बाकी ये सब तो हिजड़े हैं साले। इसलिए तेरी थोड़ी इज्जत तो करनी पड़ेगी। अब से तेरे कपड़े नहीं उतारूंगा, इतनी इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। देख, तू हमारी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, ये समझ ले कि तू अंधा और बहरा है। नहीं तो शायद तू सच में अंधा या बहरा हो जाएगा। प्रवृत्ति हर गली में आंख तानने लगे।
हाँ रिमोट जरूर ले ले। हाँ भाई। बार बार पट्टे कट्टे नहीं करूंगा। हाँ भाई। अरे ये मेरा टीवी है। अरे कहाँ ले जा रहे हो? पता है भाई तेरा है, वापस कर देंगे एक दो महीने के बाद। अरे ये अबे इतना ख्याल रखता हूँ मैं तेरा। चलो उठा। कहाँ ले जा रहे इसको? अरे वापस कर देंगे चल। अरे पूरे हैं सर। पूरे हैं ना? तुम्हारे पे भरोसा है भाई। चिंता मत करो जा। चलिए सर। क्या रहा चिकने तुम लोग ये सब बर्दाश्त क्यों करते हो? डोंट यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट? ये सब तो होता रहता है, है ना? सभी के साथ होता है, सिर्फ हमारे साथ थोड़ी हुआ है। टाइम पास। हाँ, टाइम पास मतलब मजाक करते ना वो लोग। चलता है, मजा आता है हमको भी। बहुत खुश है सप्लायर लोग। सही बोलता है भाई। बेस्ट मार्केट है अपना ये हॉस्टल। ड्रग का इतना कस्टमर एक साथ और किधर नहीं मिलता मेरे भाई। सीनियर है हम लोग। सर बोलेगा से तू हमें। यस और नो? यस। यस सर। समझा? आज पहला दिन है तेरा,
इसलिए बस इतना ही। आगे आगे देख होता है क्या। फिरोज को तो अभी मिला नहीं है, समझा? चलो रे। First year? Yeah. Engineering? Yeah. You? Second year. Karan. Pawan. अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना तुम्हें? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। क्यों, तुम मेरी मदद कर पाओगे? गुड क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ पायल, अरे मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। बस 5 मिनट, 5 मिनट्स। या It was nice meeting you. Same here. I'll see you around. Bye. Bye. Karan? तू एक दो दिन कॉलेज बंक कर सकता है? करना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन क्यों? I want to go station somewhere for a picnic or something. लेकिन सिर्फ मैं और तू। और अपने डैड से क्या कहेगी तू? कह दूंगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज पिकनिक पे जा रही हूँ। तुम हौसला इस कितने लकी हो, ना कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला। करण बता ना, कैन वी गो ऑन स्टेशन? पायल मेरे पास इतने पैसे नहीं। उसकी फिक्र तू मत कर, बता तू बंक करेगा या नहीं। धड़कन बनो, सांसें बनो, रास्ता बनो, राही बनो। करण, विल यू मैरी मी? हंस क्यों रहा है? कितनी बार मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे हर दिन यही सवाल पूछती। तेरे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। मेरे मुंह से सुनना अच्छा लगता है या मुझ पर भरोसा ही नहीं? दोनों। देख पायल, आफ्टर ग्रेजुएशन आई डू माय मास्टर्स, उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर रेंट पे घर ले लूंगा। और करण, आई कांट वेट दैट लॉन्ग। पायल टाइम कैसे निकल जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। देखना, एक साल निकल गया, पता चला तुझे? बस यूं ही 10 साल निकल जाएंगे, फिर 20 साल, तब हम इन दिनों को याद करेंगे। क्या जूनियर, कैसा है? सेल बता तेरा, दिखाना। चल एक हफ्ते के बाद दे लेना। अरे बोला ना एक हफ्ते में दे दूंगा। लेकिन अभी ज्यादा बहस करेगा ना तो वापस नहीं मिलेगा, समझा? फिर रोते बैठना इधर ही। चले, और टाइम वेस्ट कर लिया इसने। चल, नहीं, 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 चलो, चल, चल, चलो। मैं भगवान से
मुझे। ले पी। नहीं सर, मुझे नहीं पीना। पी। राइट। नहीं सर, प्लीज सर, मुझे मुझे नहीं पीना सर। फिरोज भाई अभी कच्चा ही है, कभी सिगरेट भी नहीं फूका इसने। सिगरेट के पहले चरस। ये तो मैट्रिक के पहले ही एमबी हो गया। ए, इन चार सालों में तेरे को मर्द बना देंगे, सब आदत हो जाएगी तेरे को। ये ले, 2-3 घंटों में बुखार उतर जाएगा। किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? अब तो सो जा। चल ऑपरेशन के रूम में जाके टाइम पास करते हैं। चल मजा आएगा। ए, क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? क्या समझते हो? क्या कर रहे हो तुम? करण छोड़ दे। करण छोड़ दे। करण मत कर। क्या किया तुम लोगों ने पवन के साथ? करण मार मेरे को ही मार। तेरे को तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था ना, लेकिन मार मेरे को उस फ्रेशर की खातिर। ए करण, क्या कर रहा है तू? इसे मार रहा है जिसे खुद कितनी बार भुखा रहकर अपना खाना तुझे खिलाया है। पता है तुझे, खुद कंगाल होते हुए भी तुझे पैसे उधार दिए इसने। ये बता नहीं तेरे को इसने? हाँ, दोस्ती में किया ये सब। ऐसा दोस्त मिलेगा तेरे को किधर? हाँ सॉरी यार, पर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? क्या मतलब है कि क्या कर रहे हैं? एक साल से हम लोग झेल रहे हैं ना, अब हमारी बारी है। ये सब करने का हक कमाया है हमने, समझा? देख करण, अरे यार तू हमारा पुराना दोस्त है, हमारे ग्रुप का है तू। उस फ्रेशर के लिए तू हमसे लड़ेगा? बात उस लड़के की नहीं है, बात इसकी है क्या सही है और क्या गलत है। तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर गंदी हरकत में तुम्हारा साथ दूं। Come on करण, तू ये सब इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? We are just having some fun. Fun? What do you mean by fun? Have you seen his condition? करण, हम उसे मर्द बना रहे हैं। करण, देख, भाई, यार, वो लड़का बहुत डिलिकेट है यार। बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। अरे हम लोग तो उसे तैयार कर रहे हैं। We are just doing him a favor. समझ में नहीं आ रहा है, what you, how to deal with you guys? चिल करण, तू छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इश्यू बना रहा है। और दूसरी बात, तुम लोग उस फिरोज की चमचागिरी करने लगे। hey, करण, just mind your tongue. दोस्त है वो हम लोगों का। अक्षय भी दोस्त था ना उसका। grow up करण, at least now grow up. You always look at things in black and white. You have to learn to see the grays in between. सही कह रहा है विष्णु, फिर उससे दोस्ती करने में हमारा ही फायदा है। छोड़, ये बात इसे कहां समझ में आएगी? देख, अगर हमारा हॉस्टल एक तालाब है तो फिरोज इस तालाब का मगरमच्छ है। मुझे लगता है इस कॉलेज में सिर्फ एक ही इंसान बचा है जिसे मैं अपना दोस्त कह सकता हूं। आजा।
बच्चे रहते हैं। अच्छा जी। छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, दिखाता हूँ ना तेरे को। अरे भागता किधर है, रुक ना। काय को चिपक रे लिए? तू लाया काय को मेरे को इधर? ऐसे ही। फिरोज, अरे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। कुछ नहीं होगा सर, आंखें निकाल लेंगे ना। अरे फिरोज भाई। फिरोज भाई कैसा है? ठीक भाई। चिकने बुलाओ उस फ्रेश चिकने को, आज उसका गेम बजाते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। और तू रे, ए क्या कर रहे लिए, सबका गेम बजाएगी क्या? लाया काय को तू मेरे को इधर, इस चीज के लिए ना। एक मोटू, चलो चलो अंदर, आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। तू भी आएगा, आ जा। अबे चल चल चल, फिरोज भाई ने तुझे बड़े अच्छे मौके पे याद किया। अबे नसीब वाला है तू तो भाई। अरे जल्दी आएगा ना, ना बोल के दिखा। शुरुआत भी नहीं हुआ अभी। चला करते हैं। चल। Oh my God। अरे ये तो बच्चा है। अरे ये तो अपने कपड़े भी उतार के बैठी है। हाँ? और तू परेशान हो रहा है? कमाल हो गया। अरे हम सब लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, पहला चांस तेरे को दे रहे हैं और तू रो रहा है। चल कपड़े उतार, उतार। फिरोज सर को डिसोबिडिएंट स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लेसन सिखा रहे हैं ना, चुपचाप सीख ले वरना पनिशमेंट मिलेगी। फिरोज भाई, इसको कंडम वंडम देने का है क्या? ना, बस मेरे को एक डाउट है, ये कर पाएगा कि नहीं? ये टाइम कौन आया रे? ए रुक। हाँ? अरे जाके देख कौन है और बोलना मैं तुम लोगों की यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। हाँ, ट्यूशन ले रहा हूँ। बोल, ट्यूशन? ट्यूशन ही ले रहे ना अपन? हाँ सर। जा जा। अबे हरिश्चंद्र की औलाद, अब क्या तकलीफ है तेरे को? देख फिरोज, एक हाथ होती है हर चीज की, ये लड़का मासूम है, इसे छोड़ दे। ये तेरा भाई लगता है? ये तेरा भाई लगता है क्या तेरा? मैंने तेरे को तेरे कमरे में आके समझाया था कि मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाने का। फिरोज नहीं सर, मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाने का। तू घूर रहा है, तू मेरे को आंख दिखा रहा है? चल मार मेरे को, मार। हाथ उठा मेरे ऊपर, हाथ उठा, मार। देख कुछ नहीं है ना चाकू न गन, हाथ उठा मेरे ऊपर, हाथ उठा मेरे ऊपर।
ए, चलो रे वापस अपने रूम में चलो। देखा हम जैसे ऊपर रोप जमाता रहता है ना तू, मार खाई ना फिर उससे। ए विष्णु ऐसे मत छेड़। देख करण तेरा क्या लगता है वो पवन, हाँ हम उसके साथ कुछ भी कर रहे हैं उससे तेरे को क्या है, तू अपना काम कर। दूसरों के लफड़े में क्यों पड़ना चाहता है तू? क्योंकि जो मेरे साथ गुजरी है ना मैं नहीं चाहता किसी और के साथ गुजरे। हाँ, खुद को तो संभाल सकता नहीं, बढ़ाया दूसरों की मदद करने वाला। ए करण अब बस भी कर, बहुत हो गया तेरा अच्छाई और सच्चाई का ढोंग। हिंदी पिक्चरों में ही अच्छा लगता है ये सब। सॉरी फॉर कोटिंग वन मोर क्लीशे बट व्हेन इन रोम टू एज रोम इज टू। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने पूछा क्या तेरे को चाहिए? नहीं लेकिन मेरे को चाहिए 5,000, वो भी अर्जेंट। देख तेरे को ये फूंकना है तो फूंक, नहीं तो आगे बेच दे। देख बेटा ये सोने की तरह है, इसका वैल्यू हर दिन बढ़ता है। ए फिरोज भाई ने बोला ना ले तो लेने का। ए हा? अबे ऐसे थोड़ी ना मांग रहे तेरे से, अबे शराफत से माल भी तो दे रहे। चल निकाल जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। भाई ने बोला ना निकालने के लिए तो निकाल के देना चुपचाप। लेकिन गए कहाँ इतने पैसे? पापा वो एक हफ्ते में 5,000 रुपए उड़ा दिया तूने, ये तो बता खर्च किए कहाँ आखिर? पापा वो बुक्स वगैरह। पवन तुझे कोई गलत आदत तो नहीं लग गई है ना? पापा नहीं। पवन पैसे झाड़ पर नहीं उगते, तू जानता है कि दिन रात मेहनत करके घर लाता हूँ मैं पैसे, और दूसरी तरफ तेरी माँ ने मुझे परेशान करके रखा है। साली खुद अपने बॉस के साथ मजे लूट रही है और तेरे कमीने नाना को मेरे पीछे लगा दिया है। कोर्ट में केस फाइल करके एलिमनी मांग रहा है मेरे से, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? देख पवन तेरे भी मार्क्स इस बार बहुत बुरे आए हैं, अगर तू फेल हो गया तो बेटा तेरी फीस के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? जहाँ से आप अपने रोज के दारू के पैसे लाते हैं वहाँ से थोड़े पैसे मेरे फीस के लिए भी निकाल सकते हैं ना? हाँ अब बस तू ही बच गया था, अब तू भी ताने मारना शुरू कर दे मुझे। अच्छी पट्टी पढ़ाई है तेरी माँ ने तुझे, और कर भी क्या सकती है। फिरोज भाई कनेक्ट कर। अरे वाह डीवीडी प्लेयर, कितने का पड़ा? ज्यादा नहीं 5,000। करण अगर मैं कल के टेस्ट में फेल हो गया तो मेरे पापा मेरी खाल उधर देंगे। पवन जस्ट रिलैक्स, इट्स जस्ट एन एग्जाम और तुझे कोई खा नहीं जाएगा, इस बार तू फेल नहीं होगा ये मेरी गारंटी है। कम ऑन नाउ टेल मी व्हाट यू हैवंट अंडरस्टूड। या वन मिनट। हाँ फिरोज भाई ड्रिंक। ओके
देखा, इट इज एज सिंपल एज दैट। एक्चुअली ये दोनों प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व कर लिए, तो पासिंग मार्क्स तो मुझे आराम से मिल जाएंगे ना। यही तो मैं तुझे कब से कह रहा हूँ। थैंक्स अकरण। ओके पवन, अभी मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय। रिवीजन कर लेता हूँ। प्लीज आज दे सर, कल मेरी एग्जाम से। हम दरवाजा तोड़ भी सकते हैं। एक, दो, नहीं। देख इसको, क्या कर रहा था? पढ़ाई। किसको बोलेगा तू? करण को? या पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएगा? ना ना ना, कुछ नहीं बोलेगा ये। क्या बोलेगा? क्या कंप्लेंट लिखवाएगा पुलिस में? कि सर मेरी इज्जत लूट ली। पढ़ा रहने दे इसको, चल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। क्यों? तुम मेरी मदद कर पाओगे? मेरी मदद कर पाओगे?
नहीं करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसमें। प्लीज डोंट ब्लेम मी योरसेल्फ फॉर इट। दैट्स नथिंग यू कुड हैव डन करण। आई एम श्योर ये लोग बच के निकल नहीं पाएंगे। यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज इन पर कड़े से कड़ा एक्शन लेके रहेंगे। ऑल ऑफ देम विल बी इन्वेस्टिगेटेड। देखिए शर्मा जी, जो भी कुछ हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैनॉट अफोर्ड टू स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। आर्स इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एंड वी हैव टू मेंटेन इट्स रेपुटेशन। मीडिया अब जिस तरह इस मामले को प्रोजेक्ट करेगी उससे अगले साल एडमिशन्स में भी फर्क पड़ेगा और डोनेशंस में भी फर्क पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर शर्मा। मिस्टर सक्सेना, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए ऐसा है कि पवन मेहता एक मेंटली चैलेंज स्टूडेंट था और उसकी उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। जी हाँ, कई बार तो हमने उसे बड़ी अजीब अजीब हरकतें करते हुए पकड़ा था, है ना सर? क्या सुसाइड की वजह दूसरे स्टूडेंट्स के हाथों हरासमेंट हो सकती है? देखिए, हमारे हॉस्टल में वो सब नहीं होता। वी आर नोन फॉर आवर डिसिप्लिन। शर्मा साहब, यूनिवर्सिटी के डीन होने की हैसियत से आपकी इस मामले में क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सक्सेना साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देख, अरे मस्ती मजाक तो होते रहता है यार, हम लोग के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? पंखे पे लटक गए क्या हम लोग? अरे मर्द नहीं था वो, हिजड़ा था। तू हम लोग को या फिरोज को ब्लेम नहीं कर सकता। अरे हमने उसका खून तोड़ी किया है। उसने खुद अपनी मर्जी से सोच समझ के किया जो सुकरना था। अपने उस फ्रेंड के लिए उदास है? हाँ? घूर मत, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सब जानते हैं तू खुद पुलिस के सामने गवाही देने गया था ना। लेकिन क्या हुआ? उल्टा कॉलेज मैनेजमेंट ने खुद पैसा खिलाया पुलिस को मामला दबा देने के लिए, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो तेरे ही अपने दोस्तों ने बनवा दी। अब कहां जाएगा? कहां जाएगा गवाही देने? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? देख भाई, टेरेस पर जाके खड़ा हो जा और चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता कि क्या हुआ तेरे दोस्त के साथ। अरे मरने के बाद भी सब उसकी हंसी उड़ाएंगे, समझा? देख, ये तेरे को मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर तूने प्रेस के सामने
या किसी पॉलिटिकल लीडर के सामने अपना मुंह खोला तो तेरे वो दोस्त के साथ जो हुआ वही सब कुछ तेरी उस शमिया के साथ भी हो सकता है। मैं जानता हूँ कि तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर देना? लेकिन करण किस बात के लिए? पायल हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं आज के बाद मेरा और तेरा कोई ये समझ ले कि हम कभी मिले ही नहीं थे। You love me? You don't love me. But I do. And I always will. इसलिए मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ पानी में अपने अरमान
मुझे कभी भी कोई भी काम हो हमको याद करना। तो इस वक्त यहाँ फिरोज के कमरे में क्या कर रहा है? फिरोज नहीं है। मारने आया था Hold on,
कौन मानेगा? मुझे मारने आया था? मुझे तो जेल जाना ही है, मुझे मार कर उल्टा तू भी जेल जाएगा। तुझे किसने कहा कि मैं तुझे मार रहा हूं? मैं तो बस तेरी बाजू और टांगों में गोली मार मार कर तुझे अपाहिज कर दूंगा। और कोर्ट में यह बयान दूंगा कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। तुम लोग उधर Don't do this. Stop it, please. Karan, बेटे, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा, बेटा, don't do this. बेटे, रॉड फेंक दे, रॉड फेंक दे, बेटा, फेंक दे रॉड, बेटा, फेंक दे. शाबाश शाबाश बेटे, गुड बॉय. अब पीछे हट जा बेटे, अब बाहर आ जा बेटे. करण बाहर आ जा.
जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अपनी सांसें हमने दे दी खत्म अब है सारा शोर। जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना।